सो हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय फर्स्ट रैंक पुश वीडियो। इस सीज़न में सोलो में रैंक पुश करने वाला हूँ, तो रोज़ सोलो रैंक पुश की एक वीडियो आएगी, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो आज की इस गेम प्ले का बात करते, उससे पहले एक बात बताता हूँ, मैंने C1S1 में भी सोलो कॉन्करर रैंक पुश किया था। मैं A*2 तक गया, 3 तक गया था शायद। उधर मेरे को लास्ट के दो मैच में हैकर ने मारा, उधर मेरे को 80 का माइनस पड़ा, तो मेरा रैंक पुश करने का मन नहीं हुआ, तो मैंने रैंक पुश छोड़ दिया। और अभी पिछले सीज़न में भी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कितने हैकर थे आपको पता है। तो ये वाले सीज़न में एक हैकर तो बैन हो रही है, साथ में कुछ लेजिट बंदों की भी वाट लग रही है। कुछ लोगों का वो 1-1 लाख 2-2 लाख की आईडी बैन हो रही है परमानेंट, नहीं तो 10 साल के लिए। तो इस सीज़न में हैकर बहुत कम गए हैं, इसलिए मैंने रैंक पुश करने का सोचा है। अभी मैं गोल्ड 2 में या 1 में हूँ, तो मैं गोल्ड से कॉन्करर तक पुश करने वाला हूँ। कल के दिन मैं कुछ खेला नहीं था क्योंकि मेरे को कुछ काम आया था घर का, तो मैंने कुछ खेला नहीं कल। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर इस कंपाउंड पे होल्ड कर रहा था, एक एक जोन इधर ही होल्ड किया। अभी रोटेशन देखो आप, तो धोन में यार मेरे को ये वॉच टावर सही जगह लगी, तो मैं यहाँ के होल्ड कर लिया। अभी एक दो जोन यही होल्ड करते थे, और आगे का गेम प्ले देखो यार। तो यहाँ पे जोन मेरे पी बन गया था, जोन अपने साइड में था ये मैच में, नहीं तो कभी अपने साथ नहीं रहता। लेकिन दो जोन ही वहाँ पे होल्ड करने के बाद फाइनली जोन हमारा हमारे से हट जाता है और आगे हमें को जाना पड़ता है। तो देखिए कैसे रोटेशन देते हैं। यार अपने आते आते बग्गी ठुक भी जाती है। अच्छा वो उधर बंदा नहीं था, लेकिन जैसे बंदे ने मारा था तो और अपनी बग्गी की एचपी 1 HP कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे हम जोन में आ जाते हैं, जोन में तो नहीं आए, तो यार मेरा वाईफाई इधर अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मैंने मोबाइल डाटा पे स्विच किया, तभी आगे बंदा ही था, बंदा दिख गया मेरे को। अच्छा हुआ मैं जॉयस्टिक से बाजू में आ गया, नहीं तो वो बंदा अपने को मारते था। देखिए अभी वो बंदे को कैसे मारते हैं। तो यार ये वाला ग्रेनेड अच्छा लगा होता तो लाइक कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बंदे ने 2 ग्रेनेड डाले थे, अच्छा ग्रेनेड डाला था, तो 2 बार डैमेज दिया मेरे को, लेकिन फाइनली जैसे तैसे हमें इस बंदे को मार ही देते। मैं इस बंदे की पेटी ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को इसकी पेटी मिल ही नहीं रही थी। तो मैं सोचा जोन आ गया था तो मैं निकल गया, आगे देखिए
एकदम ओपी वाली पोजीशन मिल गई थी, तो मेरे को इस मैच में चिकन के लिए खेलना था। तो अभी देखिए कैसे चिकन निकलते और किल भी कैसे निकलते। अगला जोन भी अपने भी बन जाते, लेकिन वापस से मेरा वाईफाई मेरे को तकलीफ दे रहा था, तो मैंने मोबाइल डाटा पे स्विच किया। और लास्ट का एक बंदा बाकी था, वो मैंने इसको 5 मिनट तक ढूंढा, मैं आपको फास्ट करके देखा था। वो देखो तो यार मैं ढूंढते ढूंढते इस बुश में आ गया था, तो बंदा कहाँ मिलता है आप देखिए ज़रा। लास्ट वाला बंदा यहाँ पर नीचे कैंप कर रहा था, और इस मैच में अपने को चिकन के साथ 42 का प्लस मिल जाता है। तो बात करते हैं दूसरे गेम प्ले की, वो महल पे ऊपर वाले महल पे मैं कूदा था, मेरे को स्टार्टिंग में गन नहीं मिलती लेकिन बाद में मिल जाती है। तो बंदों को देख कैसे पहलते हैं अभी देखो। तो यार उधर से मेरे 2 किल हो गए थे। और बहुत बंदे थे यार, तो अभी कैसे उनको निपटाते हैं वो देखो। और एक ये बंदा इधर लूट रहा था, तो इसको भी भर देते हैं। यहाँ पे आके मेरा थोड़ा वाईफाई दिक्कत देने लगता है वापस से, अभी देखिए क्या होता है। यहाँ पर कोई बंदा मेरे पुश कर देता तो मेरे को दिक्कत हो जाती। तो ये बंदा मेरे पे पुश कर रहा था, और मेरा पिंग देखिए कितना था। इस बंदे को जैसे तैसे मैंने मार दिया। तो अभी मैं ऊपर से वो कार्टून वाली टीडीएम खेल के आ जाता हूँ, और मेरे 11 किल हो गए थे ऊपर ही। तो अभी रोटेशन कैसे देते हैं वो देखो, मेरे को इधर गाड़ी भी नहीं थी, अभी देखो कैसे रोटेशन देते हैं। तो यार वहाँ से मैं कैसे जैसे बच गया, बहुत बंदों ने मेरे पे फायर लिया, लेकिन यहाँ पे आके मेरी गाड़ी पलट जाती है और सामने एक डारसे वाला बंदा दिखता है, तो उसको मैं भर देता हूँ। और तभी मेरे बाजू के साइड में ये 3 व्हीलर वाला, उसकी भी गाड़ी पलट जाती है, वो उधर फंस जाता है, तो मैं उस पर फायर लेते लेकिन वो बच जाता है। तो यहाँ पर मैं देखो ओपी वाला कवर बना के होल्ड कर दूँगा।
तो यार ये बग्गी वाला बंदा मेरे पे पुश कर रहा था, लेकिन पीछे वाला जो पुश वाला बंदा है उस वो इस पे फायर लेता है और ये मेरे पे डायरेक्ट पुश कर देता है। ये बंदे को मैंने बहुत डैमेज दिया था लेकिन वो जोन से ही मर गए, तो मेरे को उसका किल नहीं मिला। अभी मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो इस बंदे ने मेरे को देख लिया था और मेरे पे पुश कर रहा था। तो यार मेरे को इधर कुछ समझा नहीं, मेरा वाईफाई क्यों दिक्कत दे रहा है इतना। ये बंदा मेरे सामने था लेकिन टेलीपोर्ट करके बाजू में चला गया और इस बंदे ने मेरे को इजी मार दिया। तो इस गेम में मेरे को मिला था 58 का प्लस। कोई बात नहीं, 14 किल पे 58 का प्लस अच्छी बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा एंड बाय बाय।